We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. तो आज मैं अनुष्का आई हूँ मामा के चैनल में उनका किचन हाईजैक करने। अब नया साल आ गया, क्रिसमस आ गया और हम इतने बड़े होते जा रहे हैं, कुकिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। इमरजेंसीज में काम भी आता है और नो फायर रेसिपीज तो मेरे फेवरेट है, तो आज वही रेसिपीज बनाऊंगी जो बहुत ही यम्मी रहेगी। अब आपको पता है मेरा फेवरेट क्या है, पानी पूरी। अब पानी पूरी के बजाय मैं दही पूरी बनाऊंगी, क्योंकि पानी पूरी तो मम्मा ने पहले ही बना दी, हम यूनिक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऑफकोर्स पूरी चाहिए, यही अपना मेन बेस है जिसपे हम अपने सारी गार्निशिंग ब्यूटी डालेंगे जो टेस्ट लगेगा। तो चलो हम लोग चालू करते हैं फिलिंग्स के साथ। तो फिलिंग्स के लिए मैंने सब वेजिटेबल्स लिए हैं। तो दोस्तों अभी मैंने अपने पानी पूरी को खोखला कर दिया है, खोखला मतलब ऐसे फोड़ दिया है, ज्यादा नहीं फोड़ना, नहीं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा तो पूरा टूट जाता है। अब मैं ले रही हूँ अनियन, कैरेट, टोमेटो, कॉर्न मतलब बॉइल्ड है मुझे पता है, लेकिन अब मैं यूज करके तो भी चलेगा, ऑप्शनल है। कैरेट मेरे पास है, कैरेट है यहाँ पे, फिर मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम और ककड़ी है। अब आप अपने मन की टॉप फिलिंग्स आ सकते हो, चाहिए तो आप ऑरेंज कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम होता नहीं है। मेरे पास टोमेटोज भी है, आप टोमेटोज भी डाल सकते हो, वो सब आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को कैप्सिकम नहीं पसंद, कुछ लोगों को कैरेट नहीं, तो भी नहीं डाल सकते। चाहो तो आलू की भी फिलिंग्स डाल सकते हो, आपका ऑप्शन है, आपकी क्रिएटिविटी है, सॉरी क्रिएटिविटी नहीं, कुकीविटी। तो पहले हम थोड़ा ककुम्बर उसको डालेंगे, मैं सबसे पहले मेरे फेवरेट वाले में डालूंगी वही इसमें। तो अभी हमने ककड़ी हर जगह अच्छे से डाल दी है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा कैरेट डालेंगे, कैप्सिकम की बारी में, कैप्सिकम बहुत कम डालती, मुझे ज्यादा पसंद नहीं कैप्सिकम, आप अपने मुताबिक डाल सकते हो, कम फीलिंग ज्यादा फीलिंग। अब टमाटर हम ज्यादा डालेंगे, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही ज्यादा, आप थोड़ा नीचे भी डाल सकते हो, क्योंकि खाओगे तो नीचे का जो जूस बन जाता है ना मिक्स होके यम लगता है। अनियन डालेंगे अभी हम काफी सारा, क्योंकि हमें पसंद है अनियन ज्यादा ज्यादा। तो अब हमारी फीलिंग्स एकदम रेडी है झक्कस। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े कॉर्न्स भी डाल दूँ, कॉर्न्स तो बहुत यम्मी रहते हैं, तो ये कॉर्न्स को मैं डाल देती हूँ। आपके पूरा ऑप्शनल है कि आपको कॉर्न डालना है कि नहीं, क्योंकि इसको बॉईल किया जाता है, खड़ा मत डाल देना बच्चा नहीं आएगा। तो एक एक सबके पास। तो पहले हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो अभी हम डालेंगे सारे मेन स्पाइसेस, लेट्स स्प्रिंकल सम ऑफ इट। अब मैं डालूंगी थोड़ा जीरा, ये गार्निशिंग है। अभी दही पूरी में दही ना हो भैया क्या हो गया, ये मीठी दही है, ये शुगर डालते हैं थोड़ा, इसे टेस्टी यम्मी लगना चाहिए। तो अभी हम दही डालेंगे सब पे प्रोपोर्शनली, पहले इन सबको पोजीशन कर लेते हैं, क्योंकि वो हाथ मेरी बहना का है जिसका नाम आयुष्का है, जो इधर आके बहुत जल के मेरा कौन खा गई है करके। अच्छा है, दोस्तों अभी हमारे पास आ चुकी है हमारी इमली दी चटनी, थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, एक में इतना। अब बारी अपनी तीखी चटनी की। तो अभी बाकी है हमारा एक चीज, अभी हम डालेंगे हमारा भुजिया, आप चाहो तो आलू भुजिया डाल सकते हैं, नॉर्मल भुजिया, इसको सेव बोलते हैं, भुजिया बोलते हैं कुछ लोग। अनार को डालने में मतलब ऐसा लगता है ना कि कहाँ पानी पूरी में अनार, लेकिन अगर आप एक बार खाओगे तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी दही पूरी बन चुकी है 2 मिनट में। तो अभी बन गया हमारा रेसिपी, वो भी दही पूरी वाला, एकदम यम्मी झकास, एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया मुझे बना के और खाने में, तो और डबल मजा आया। तो अभी आपकी चाहे कौन सी पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, बर्थडे पार्टी और कौन सी पार्टी होती है, तो अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कीजिए इस पानी पूरी के साथ, नहीं सॉरी दही पूरी के साथ, जो बहुत ही यम्मी है, मुझे तो मजा आ गया बनाने और खाने में। तो गाइस अभी आपने अनु की रेसिपी देख ली, अब बारी आती है मेरी नॉन फायर रेसिपी की। तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा आसान है और हेल्दी भी है, वो है
सबवे का बर्गर। अब हम सबको सबवे का बर्गर तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट अगर घर पे बन जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो गाइस अभी ब्रेड के लिए मैंने लिया है ये गार्लिक लोफ ब्रेड। तो अभी आएगा तो इसको ऐसे बीच से काट लेने का, फाड़ने का नहीं, और ये ना ऐसे खुल जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बटर डाल दे रही हूँ दोनों साइड में। तो चलो अभी हम डालेंगे इस पे सॉस। तो अभी इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे बटर के ऊपर दोनों मिक्स करके, एकदम बटर ही डिलीशियस लगेंगे। अब एक साइड हमने ये देखो डाल दिया साउथ वेस्ट ड्रेसिंग, अब दूसरे में डालेंगे मेयोनीज। अब ये हम भर के डालेंगे क्योंकि हमको मेयोनीज बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं ये लैटिस का पत्ता डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे ये अनियन के, ये देखो ये अनियन को डालेंगे। तो ये डाल दिया, तो ये क्यूकम्बर तो भर के ही डाल जाता है, कड़ा लगता है। तो ये चार क्यूकम्बर मैंने डाल दिया। अब बस लास्ट हम सब बच्चे का फेवरेट चीज डालेंगे। तो गाइस अब नेक्स्ट हम डालेंगे नमक, चाट मसाला भी थोड़ा बहुत ऐसे ही ना। अब बस क्या करना बाकी है, ये सॉस। तो ये देखो आराम से हमने इसे ड्रिप कर दिया, तो अच्छा दिखता है ना। एंड बस अब इसको बंद कर दो। तो गाइस अब मेरा तो बन के तैयार हो गया, यू नो बहुत आसानी से बन गया। तो अब अगर आप मेरी उम्र के बच्चे हैं, यू नो आपको नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है, तो खुद बनाओ और मुझे भी बताओ। तो गाइस सभी के साथ शेयर करो जैसे कि बाकी लोग भी बना सके। तो मेरा तो बन गया, अब मम्मी की बारी है। अब मम्मी बनाने वाली है एक डेजर्ट जो काफी हम बच्चों का फेवरेट है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। चलो अब देखते हैं मम्मी की नॉन फायर रेसिपी। तो ये मैंने ले लिया है ओरियो बिस्किट का, मैंने पाउडर कर लिया है ये, और ये है चॉकलेट सिरप। तो सबसे पहले हम ये लिया है, मैंने ये कपकेक बनाने का मोल्ड है, इसमें मैंने पेपर कप रख दिया है। मैं थोड़ा सा इसमें बटर लगा दे रही हूँ। तो बस हमारा कप तैयार हो गया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। चलिए हम भी इसका डो बना के रेडी करते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम चॉकलेट सिरप डाल के एक डो बना लेंगे। ये डो बना के हमने रेडी कर लिया। ये मैंने जो कप बना के रेडी किया था, आप चाहो तो पेपर का एक कप लगा के बना सकते हैं, या फिर इसको हटा के डायरेक्ट इसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें बना रही हूँ। अब ये जो डो बना के हमने रखा है इसको ले लेंगे, और इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से ऐसे फैला देंगे। अब इसमें मैंने जो चॉकलेट सिरप लिया है इसको अंदर से भर देंगे। अब इसको हमें ऊपर से कवर करना है, तो ये जो हमारा डो बचा है ना, तो इसको ऐसे करके हम बना लेंगे इसको, फिर इसको ऊपर से हम ऐसे इसको कवर कर लेंगे, और जो ऊपर से एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे काट के निकाल लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट फ्रिज में रखा, थोड़ा सा शुगर का पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे। चोकोलावा केक को अपने घर में बनाइए और खाइए, कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।